सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो एडीयू को और बेल आइकन को दबाइए, रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी एक आईफोन यूजर हैं और सेल्फी और फोटोज वगैरह बनाने के शौकीन हैं, तो उस वक्त आपको बहुत परेशानी होती होगी जब आपके फोन की स्टोरेज फुल हो जाती होगी और आप सोचते होंगे कि अब मैं क्या रखूं और क्या डिलीट करूं, क्योंकि आईफोन में एक्सटर्नल स्टोरेज तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, आपकी ये परेशानी एप्पल बहुत जल्द खत्म करने वाला है, क्योंकि एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया है हीप को, जिससे ना सिर्फ एप्पल यूजर बल्कि बाकी यूजर का भी बहुत फायदा होने वाला है। तो आज आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीप क्या है, कैसे काम करेगा, इसके क्या फायदे होंगे और कैसे हम सबकी स्टोरेज वाली प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें वीडियो फॉर्मेट्स की, तो आप सभी जानते ही हैं कि MP4, 3GP, FLV, AVI, MKV और ऐसे ही और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको हम यूज़ करते थे, और कुछ फॉर्मेट्स के तो आज की डेट में भी हम यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेट्स की, तो यहाँ पर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं JPEG को, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप भी यूज़ करते होंगे GIF को, PNG को, TIFF को या फिर JPG फॉर्मेट को। लेकिन ये तो आप सभी को पता ही है कि चाहे आप फोटो स्टोर करें, फोटो क्लिक करें या शेयर करें, जो स्टैंडर्ड है वो JPEG ही है। लेकिन ये फॉर्मेट काफी ओल्ड है, क्योंकि ये फॉर्मेट 1992 में बनाया गया था और तब से आज तक इसके कंप्रेशन में कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले। हालांकि हमारा काम ये काफी अच्छे से कर रहा है, हम अपनी पिक्चर को कंप्रेस करके उनके फाइल साइज को भी कम कर लेते हैं और फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ऐसी ही बहुत सारी सोशल साइट पर उनको बड़ी ही आसानी से अपलोड भी कर लेते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं पर इसकी वजह से हमारे फोन की स्टोरेज में बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो जाता है, हालांकि हम उस वेस्टेज को किसी और काम में भी यूज कर सकते थे। लेकिन JPEG की वजह से उस स्टोरेज को कंज्यूम कर लिया गया है। इसी तरह दोस्तों, वीडियोस में भी आपको जो अलग अलग फॉर्मेट्स मिलते हैं, तरह तरह के कंप्रेशन एल्गोरिथम मिलते हैं, जैसे H.264, H.265, H.263 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर H.265 जो कि एक हाई वीडियो रेजोल्यूशन कंप्रेशन है, और उसमें जो स्टिल फोटो का फॉर्मेट है, बेसिकली उसी का नाम है हीप। और हीप का मतलब है कि हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले एप्पल के नए iOS 11 में एप्पल इसी फॉर्मेट को यूज करेगा, जिसकी वजह से फोटोज फोन की स्टोरेज में 50% साइज ही लेंगे, और साथ ही साथ क्वालिटी आपको मिलेगी या तो JPEG के बराबर या फिर कुछ केसेस में तो JPEG से भी अच्छी मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि एक फोटो पर आपके फोन में 50% तक जगह बच जाएगी, और अगर आपके पास है 16GB वाला आईफोन, तो उसमें भी अब आप पहले से भी ज्यादा फोटो बना पाएंगे या वहां पर स्टोर कर पाएंगे, जो आज की डेट में आप JPEG को यूज करते हुए करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हीप का असल में एक्चुअल बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, हीप फॉर्मेट JPEG से काफी मामलों में अच्छा है, जिसमें पहली बात यह है कि ये फॉर्मेट सिर्फ किसी एक फोटो के लिए नहीं, बल्कि जो आपको आईफोन में लाइव फोटो क्लिक करने का फीचर मिलता है, जिसमें फर्ज करें कि 10 या 20 अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, तो हीप फॉर्मेट में आप उन सारे फ्रेम्स को इकट्ठे स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी है, बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फोटो अच्छी आई है या कौन सी फोटो अच्छी नहीं आई। इसके अलावा हीप में आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। अब जैसे अगर आप JPEG की बात करें, तो वहां पर आपको ट्रांसपेरेंट नाम की कोई चीज नहीं मिलती। अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा PNG फॉर्मेट को। लेकिन अगर आप हीप को कंपेयर करते हैं JPEG के साथ में, तो हीप में अगर आप अपनी किसी इमेज को एडिट करते हैं, उसमें कोई चीज क्रॉप करते हैं या ऐड करते हैं, तो आप बगैर परेशानी के बड़े ही आराम से ये काम इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस फॉर्मेट में नए कंप्रेशन मेथड को यूज किया गया है, क्योंकि 1992 में जब इतनी अच्छी कंप्यूटिंग पावर भी नहीं थी, तो उस टाइम पर JPEG बना था, जो आज तक बहुत अच्छा यूज हो रहा है, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी कि अलग अलग काफी सारे कंप्रेशन एल्गोरिथम को यूज कर लिया जाए, फोटोज को कंप्रेस करके उनके साइज को और छोटा बना लिया जाए। लेकिन आज की डेट की बात करें, तो अब ऐसी टेक्निक्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, हमारे फोन्स भी काफी पावरफुल हैं, जिनमें आने वाले वक्त में हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस नए फॉर्मेट को।
जिससे कंप्रेशन बहुत एफिशिएंट और फास्ट होगा। और हाँ दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम हमारे आईफोन में कोई फोटो क्लिक कर देंगे तो उसे सोशल साइट पर शेयर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बेशक आपको किसी अपने दोस्त के साथ फोटो शेयर करनी है उसकी किसी और डिवाइस में या किसी ऐसे सिस्टम में जहां पर हीट की सपोर्ट नहीं है, तो वो बहुत ही फास्टली उसी वक्त जेपैग में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपकी फोटो वगैरह करप्ट होने के चांसेस भी कम होंगे। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर आपके फोन में हीट सपोर्ट है और अपने फोन से फोटो को बाहर निकालेंगे आप या कहीं और शेयर करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो फौरन जेपैग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हीट फॉर्मेट 16 बिट कलर को सपोर्ट करता है, जबकि जेपैग 8 बिट कलर को सपोर्ट करता है। अब आपके कैमरा से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो होती है 10 बिट कलर्स के बारे में, तो हीट में आपको बिल्कुल वैसे की वैसे सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने को मिलेगी, जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि हीट फॉर्मेट बहुत ही एफिशिएंटली सारा कंप्रेशन कर देता है। अब ये वो कंप्रेशन नहीं है जिसमें बोला जाता है कि 10 GB फाइल को 1 GB में कंप्रेस कर लो, वो एक अलग चीज है। लेकिन हीफ एक जेन्युइन कंप्रेशन मेथड है जिसमें जेपैक के मुकाबले क्वालिटी में कम से कम कंप्रोमाइज होता है और स्टोरेज में 50% तक बचत होती है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है और एप्पल इस मेथड को यूज करेगा अपने नए आने वाले iOS 11 में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हीफ के बारे में ये काफी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।